हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इस स्टूडियो में हम बात करेंगे आज के जो बोर्ड एग्जाम में अब आपके जो चेंजेस होने को देखने को मिलेंगे उस बारे में, प्लस उसके अलावा आपका बोर्ड रिजल्ट कब आएगा और अब क्या क्या पॉलिसीज चेंज होने वाली है, थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाकी आप लोगों को हमारी वेबसाइट के बारे में पता ही है, composer.com। जब आप सर्च करेंगे वहां पर आपको सारा कॉन्टेंट देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर हो, बुक्स हो, उनके सॉल्यूशन हो, बहुत जल्दी आपको देखने को सारी चीजें वहां देखने को मिल जाएंगी। तो आते हैं पहले आपके कि क्या क्या चेंज होने वाला है। एक तो देखो, जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं, ठीक है, स्टेट बोर्ड में आप लोगों ने देखा होगा क्लास 10th के ईयरली एग्जाम होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये आपको देखने को मिलेगा, मिल सकता है। ठीक है, अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, बट चांसेस हैं पूरे पूरे कि अब आपके जैसे CBSE में 2 टर्म में आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं क्लास 10th के, ठीक है, वैसे ही आपके जो स्टेट बोर्ड है, चाहे वो उत्तराखंड हो या यूपी हो, वहां पर भी अब चांसेस हैं कि आपके 2 टर्म यानी जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे उसके मार्क्स और जो आपके ईयरली एग्जाम होंगे उसके मार्क्स, दोनों के ऐड होकर के फाइनल एक आपका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी कई बच्चों में अभी तक ये कंफ्यूजन है कि क्या बोर्ड क्लास 10th के पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड आपके सेम वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे, बस टर्म मतलब टर्म आपके 2 हो जाएंगे, यानी एक 6 महीने बाद एक एग्जाम होंगे आपके और एक 6 महीने यानी बाद 1 साल। ठीक है, तो यानी 6 महीने में एक एग्जाम, फिर उसके 6 महीने बाद एक एग्जाम, यानी पूरे इन दो जो बीच के 6 मंथ हैं इन दोनों के जोड़ करके आपके फाइनल जो मार्क्स बनेंगे वही आपके बोर्ड का रिजल्ट प्रिपेयर होगा, ठीक है उससे। और ऐसे ही क्लास 12th वालों की बात करें तो क्लास 12th वाले जैसे ही उनके पहले से एग्जाम चलते आ रहे हैं वैसे एग्जाम रहेंगे, इनमें भी टर्म का चांसेस है कि टर्म में एग्जाम हो, बट ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि जैसे ईयरली एग्जाम चलते आ रहे हैं वैसे ही आपके एग्जाम कंटिन्यू रहेंगे। अब उसके अलावा आपके जो एक और खुशखबरी है बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देते हैं या देने वाले हैं या देंगे, उनके लिए ये कि जो अब आप तक उत्तराखंड बोर्ड में आप लोग देखते थे या यूपी बोर्ड में भी है शायद ये पोजीशन, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कोई बच्चा अगर फेल है तो उसको पूरी तरह ही फेल माना जाता है, उसको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता बैक पेपर का। ठीक है, बैक पेपर यानी आप किसी एक या दो सब्जेक्ट में फेल हैं तो उसका पेपर बैक पेपर, देखो बैक पेपर नॉर्मली क्या होता है, बैक पेपर वो होता है जिसमें आप किसी एक सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो उसका एग्जाम होने के जैसे रिजल्ट आपका आउट होता है उसके तुरंत बाद आप वापस उन जिसमें आप फेल हुए हैं एग्जाम दे करके आप नेक्स्ट क्लास में जंप कर सकते हैं। बट अभी तक उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में ये पॉलिसी नहीं थी। उत्तराखंड में ये है कि कोई बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में फेल है किसी कारणवश, एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गया है, हो सकता है उसका कुछ भी प्रॉब्लम हो, तबीयत खराब हो या कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, तो ये चीज अगर हम देखें तो एक चीज गलत थी कि बच्चों को मौका जरूर मिलना चाहिए कि एक दिन अगर उसकी बाई चांस तबीयत खराब हो गई या कुछ भी हो सकता है ना, तो उसको एक मौका जरूर मिलना चाहिए बैकअप में कि जो उससे गलती हुई है या जो भी उसके इमरजेंसी में या जो भी उसके साथ प्रॉब्लम हुई है उसका वो दोबारा उसको मौका दिया जाए और उसको वो सुधार सके। ठीक है, अभी तक नहीं था ये सिस्टम, बट अब ये सिस्टम आपका इस साल पूरी 100% पूरी तरह से आपका लागू होने जा रहा है। इसमें अब आप कम से कम 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं, जैसे आपके मेन 5 सब्जेक्ट है, अगर 5 में से आप किन्हीं 2 सब्जेक्टों में फेल होते हैं, विषयों में फेल होते हैं, तो आप उन दोनों विषयों का पेपर दोबारा दे सकते हैं। ठीक है, इस साल से पूरी तरह से लागू हो रहा है, जो जिन बच्चों ने 2022-23 में एग्जाम दिए हैं उनके लिए ये नहीं है, बट जो अब 2023-24 से एग्जाम देंगे बच्चे उनके लिए ये न्यूज़ है। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी था उत्तराखंड में लागू करना क्योंकि कई बच्चों का पूरा पूरा साल इसमें खराब हो रहा था, तो वो बच्चे कहाँ जा रहे थे फिर, या तो वो पढ़ाई छोड़ दे रहे थे कुछ बच्चे क्या कर रहे थे कि ओपन बोर्ड की तरफ जा रहे थे, ओपन बोर्ड में पैसे खर्च कर करके उसमें भी कई बच्चे पास नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो ये मौका उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, बहुत अच्छा एक कदम उठाया गया है शिक्षा के प्रति। और बाकी अगर हम बुक्स की बात करें, आपकी एनसीईआरटी ने आपने देखा कि सारी बुक्स लगभग लगभग चेंज हो चुकी हैं, जो आपके नए पैटर्न की बुक्स है वो आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं, और या फिर अगर आप वहाँ नहीं जाते हैं तो आपको सिंपल हमारी वेबसाइट जो कि composer.com के नाम से है, मैं आपको पहले लेकर के चलता हूँ, उसके बारे में बाकी बातें भी करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लिंक देख रहे हैं composer.com। ठीक है, या तो आप सिंपल composer टाइप कर लीजिए, अब या तो आप composer.com लिख लीजिए या फिर सिंपल आप composer लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, composer.com के नाम से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
इस पर आप क्लिक करेंगे सिंपल, आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसमें जाने के बाद आप या तो यहां से देखो क्लास फर्स्ट टू क्लास 12th तक का यहाँ पर आपको बुक्स देखने को मिल जाएंगी। बुक्स ऐसे क्लास 10th की बुक्स, क्लास 9th की बुक्स, अभी तक सिर्फ क्लास 9, 10th, 11, 12th की बुक्स एक दो दिन के अंदर अंदर सारी अपलोड हो जाएंगी। बाकी आप यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जाकर के देख सकते हैं कौन कौन सी बुक्स आ चुकी है। अभी 9, 10th की आ चुकी है, 11, 12th की एक दो दिन के अंदर अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट देख ली, वहां पे आपको सारी बुक्स और उसके बाद उनके सॉल्यूशन प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, सारी जानकारी आपको वहां देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और बाकी बोर्ड के एग्जाम जैसे कंटिन्यू थे वैसे ही आपके चलते रहेंगे, सेम पैटर्न रहेगा आपका। जैसे फॉर्म पहले फिल होते थे वैसे ही फॉर्म इस बार भी फिल होंगे। और जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए ये कि बैक पेपर का थोड़ा सिस्टम लागू हो गया है, तो उनका पूरा पूरा साल बच जाएगा क्लास 10th और 12th के लिए। ठीक है, कई बच्चों के लगातार कमेंट्स आते हैं कि सर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्या इस बार? बिल्कुल, इस बार आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड बोर्ड में ग्रेस मार्क्स 8 नंबर की है। ठीक है, 8 नंबर किसी भी दो सब्जेक्ट में, अगर आपको मान लो 5 नंबर किसी एक सब्जेक्ट में आपकी कम पड़ रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं कि आपका साल खराब ना हो। ये इसलिए था क्योंकि आपके यहाँ बैक पेपर का सिस्टम नहीं था। उत्तराखंड बोर्ड की अगर हम बात करें, तो जब ये आपका बैक पेपर का सिस्टम लागू हो जाएगा तब आपका ग्रेस सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक नुकसान है, बट इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि वहां आपको पूरे पूरे दो पेपर वापस देने को मिल रहे हैं, आप परसेंटेज भी अच्छे से बना सकते हैं। बट इसमें क्या होता था, ग्रेस मार्क्स में आपको ग्रेस मिल जाती थी, आप थर्ड डिवीजन से पास हो जाते थे। ठीक है, बट यहाँ आप अपने एग्जाम रिजल्ट में सुधार कर सकते हैं कि बाय चांस किसी अब इसमें वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छे हैं और किसी कारणवश उनका एक सब्जेक्ट में उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, तो वो क्या कर सकते हैं, सिंपल उस पेपर को छोड़ सकते हैं और बाद में वापस उसका पेपर दे करके अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं अपने। ठीक है, तो बाकी और कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको उसकी भी वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर वीडियो नहीं तो आपको वहीं पर कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। बाकी जिन बच्चों ने इस बार बोर्ड एग्जाम दिए हैं सभी को बेस्ट विशेष, उनका रिजल्ट अच्छा रहे। लाइव रिजल्ट चेक करेंगे जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा, प्लस जो बच्चे इस बार हमारे क्लास 10th 11th 12th में गए हैं, ठीक है, उन सबको बता दो कि हमारे इसी चैनल पर कंबोसर पर आपको सभी एनसीईआरटी बुक्स जो मैथ्स है उनका सॉल्यूशन बहुत जल्दी स्टार्ट करा देंगे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए आपकी नेक्स्ट, और जिसमें आप इस बार क्लास में हैं उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करें। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा सभी मैथ्स की बुक का। बाकी उसके अलावा देखेंगे, अगर सारी अगर जल्दी कंप्लीट हो जाती है फिर आप अदर सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कराएंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और सभी को बेस्ट विशेस, और सभी अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे।